फैक्ट्स एंड कंडीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है, और हो सकता है कि यह काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुँच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां है। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है प्रहग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग, यानी जीवन योग्य ग्रह खोजना। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रह में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में रोचक जानकारी। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ध्यान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहे कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं की स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र की निवासियों के पास गीजा का पिरामिड बनाने का कोई तकनीक नहीं था। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहे कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग भारत में ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुंदर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास, इन्होंने बताया कि हम अनजान उड़न तस्करियों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से
लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्करियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मालमस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हॉल्ट, इन्होंने कहा कि इन्होंने भी एक यूएफओ को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार है। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है, हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो लेकिन हमें पता ना चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वोनो पी कोलोम्बो, इन्होंने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसीलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। सिल्वोनो ने कहा कि एलियंस संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्करी बनी हुई है। साथ ही इस तस्करी के निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यह एलियंस आए थे, जो तकनीक के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिले हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट है, और क्या इसलिए गीजावासी मरने के बाद खुद का ममीकरण करते हैं कि ताकि उनके मरने के बाद उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा? आप क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वो जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाते। अंत में चौथी जगह यह कि वे हमारे बीच में ही रहते हो मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ को देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों से मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई, और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ता, 3 पहाड़ी बकरिया और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से है जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, एलियंस है भी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।